यदि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं, यदि आप अपने आधार कार्ड में नाम को चेंज कराना चाहते हैं, यदि आपका नाम गलत हो चुका है तो उसे आप ठीक कराना चाहते हैं, या फिर आप फिंगर वहां पर अपडेट कराना चाहते हैं, तो या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में गलत हो चुकी है तो उसे आप चेंज कराना चाहते हैं, या फिर मोबाइल नंबर यदि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप यदि मोबाइल को यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं, या फिर अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वह ठीक नहीं है तो उसे यदि चेंज कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आधार कार्ड को कैसे अपडेट करवाना है। इसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपये पे करने होंगे और आपका जो आधार कार्ड है वह आपके पास में जो आपकी पोस्ट ऑफिस होती है आपके पोस्ट ऑफिस में ये आ जाता है सिर्फ 1 महीने के अंदर, या फिर आपको इसी मोबाइल से जिससे मैं बता रहा हूँ इसी मोबाइल से आपको अपने ही मोबाइल से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको ऑनलाइन की कोई भी दुकान पर जाके इसे प्रिंट करा लेना है। यदि आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि आपको कैसे ये सब चीज़ें अपडेट करवाना है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप जल्दी से ही कोई भी योजनाओं का लाभ ले सकें। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को इस तरह से ओपन करना है। जैसे यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको या तो UIDAI लिखकर सर्च कर देना है, या फिर आप चाहते हैं कि UIDAI को हम भूल जाएंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिखकर इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आधार कार्ड लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए, या तो आपको UIDAI पर क्लिक कर देना है या फिर आपको यहाँ पर गेट आधार पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर गेट आधार पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर गेट आधार पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आपको स्टेट पर क्लिक कर देना है। स्टेट पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले जो भी आपकी स्टेट है यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर मध्य प्रदेश से हूं तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से आप जहाँ से भी हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से भी आप हैं वहाँ पर आपको सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका ज़िला है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर तहसील है उसे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपका विलेज है, जो भी आपका गांव का नाम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी कैप्चर कोड है यहाँ पर आपको लिख देना है, कैप्चर कोड आपको यहाँ पर सही सही लिख देना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर कैप्चर कोड जल्दी से लिख देता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपना जो भी कैप्चर कोड है यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको लोकेट ए सेंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यदि हमारा कैप्चर कोड गलत हो जाता है तो यहाँ पर नहीं निकलता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर जल्दी से कैप्चर कोड को दोबारा से डाल दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें उस सेंटर का नाम यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है। ये सेंटर का यहाँ पर नाम आया है, देखिए यह हमारे घर से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें यहाँ पर जाकर हमारी डेट ऑफ बर्थ, फिंगर, नाम, जो भी हम एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक मोबाइल नंबर ही मिल जाता है, तो हमारे लिए इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेना है ताकि हम जाएँ तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना है वो है यहाँ पर आप अंक सूची, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उस स्कूल की अंक सूची आप लेकर जा सकते हैं, और आपका जो आधार कार्ड है उसे भी आप लेकर जा सकते हैं। बस दोनों को यहाँ पर आपको लेकर जाना है, मोबाइल नंबर को लेकर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप अच्छे से जल्दी से अपडेट करा सकते हैं। 1 महीने के अंदर यहाँ पर आपको आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, या फिर आप अपने ही मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूँगा कि आपको डाउनलोड भी कैसा करना है, आप अगले वीडियो को देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है तो उसे देख लीजिए कि आपको डाउनलोड कैसे करना है अपने आधार कार्ड को। तो यहाँ पर आपको देखिए एड्रेस मिलता है, इस एड्रेस पर जाना है और जल्दी से आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।